सब नाराज है मुझसे, गुस्सा है मुझ पर, लेकिन करंटिया मुझे कोई पता है कि मैं क्या करता हूं? आप अच्छे से जानते थे ना कि भैया बेगुनाह, तो आप हथकड़ी पहना के उन्हें गुनेगारों की तरह क्यों लेके गए? मैं जानता हूं भैया बेगुनाह है, लेकिन करंटिया सिर्फ हमारे जानने से कुछ नहीं होता। कानून को भैया की बेगुनाही का सबूत चाहिए। कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं हमारे पास। क्या करें, क्या करें? अरे मैं तोड़ देना चाहता हूं अपने इन हाथों को, जिन हाथों से मैंने अपने भाई को हथकड़ी पहनाई थी। कोई नहीं जानता कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। दर्द से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। शिबू भैया, हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया ने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है, और उन्हें बेकसूर साबित करने के लिए हमें असली गुनहगार को जल्द से जल्द सामने लाना ही होगा। हाँ लौटे, इस सब के पीछे कौन है इसका पता तो लगाना ही होगा, और वो मैं पता लगा कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यकीनन वो औरत झूठ बोल रही है, और इस झूठ के पीछे उसका क्या मकसद है इसी का हमें पता लगाना होगा। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है बहुत जल्द करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ। लवली, सब यही समझ रहे हैं कि उस वक्त जो मैंने किया गलत था। तुम मेरी तरफ से प्लीज उन्हें समझाने की कोशिश करो कि वो मेरी ड्यूटी थी। भैया, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, और इस बात का पता मुझे भी है और उस घर के हर सदस्य को है, बस इस वक्त उनकी समझ पर भावनाओं का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन भैया, आपने मुझसे कहा है तो मैं उनसे बात जरूर करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक्स। इत्तेफाक नहीं हो सकता, कोई है जो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, पर कौन कौन हो सकता है वो, जिस
से जिसने रसोई घर में आग लगाई, उसके बाद पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़कना, फिर उत्कर्ष भैया पर इतना बड़ा इल्जाम, कहीं ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई तो नहीं है? इस सारे सवालों के जवाब मुझे पता करने ही होंगे, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन उससे पहले मुझे उत्कर्ष भैया को जेल से बाहर निकालना होगा। कहना भाभी की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। आपको इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। तू तो जानती है ना, तुझे देखकर कहना भाभी का गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है निमी बाप? मैं तो उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो अभी अभी सोई है, बड़ी मुश्किल से आग लगी है उनकी। मैं उन्हें नहीं जगाऊंगी। ठीक है, आप उनके पास जाइए, हम लोग बाद में आते हैं। आपका दर्द समझ सकती, छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर दीजिए। अपनी छोटी बहन को कोई रोते हुए देख सकता? हमारे पास बैठो करंटी, हमें तुमसे कुछ कहना। कहिए भाभी, क्या कर सकती हूं मैं आपके लिए? हमें माफ कर सकती हो भाभी? आप माफी क्यों मांग रहे? आपकी कोई गलती नहीं। बहुत गलत कह दिया हमने तुमको, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हमने, हमें क्षमा कर दो। भाभी, वो बात तो मैं कब की भूल चुकी, मुझे तो बस आपका प्यार और आपका अपनापन याद है। तुम कितनी अच्छी हो करण जी, अपनापन समझती हो, इसलिए ये भी समझती होगी कि गुस्सा अपनों पर ही किया जाता। शिबू भाई साहब आते, वो जानते हैं कि सा ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, फिर भी अपने भाई को गिरफ्तार करके ले गए वो। भाभी, अब शिबू जी को जानती है ना, उनके सामने इस बार एक तरफ फर्ज का पलड़ा था और दूसरी तरफ भाई के प्रेम का, लेकिन पलड़ा फर्ज की तरफ झुक गया भाभी। लेकिन आपको भाई के प्रेम पर विश्वास है ना, तो विश्वास रखिए, शिबू जी भैया को कुछ नहीं होने देंगे, सही सलामत जल्दी वापस ले आएंगे। और भाभी, एक पुलिस अफसर का नहीं, एक भाई का वादा है आपसे। हम यही सुनना चाहते थे करेंटिया। नहीं बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कार्तिक। यस सर, यू डोंट नीड टू वरी। कार्तिक, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। लवली, तुम और तुम्हारी जरूरी बातें। अब बॉस, कैन आई कॉल यू बैक इन सम टाइम? जी, बाय। बोलो, क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? मैंने उत्कर्ष भैया को निर्दोष साबित करने के लिए और उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा प्लान सोचा है। प्लान? ओह लवली, नॉट अगेन। हर चीज को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान आ ही जाता है।
और वो हम सबको मुसीबत में डाल देता है। कार्तिक सुन तो लो, बहुत अच्छा प्लान है। मैं लवली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। अगर अपने आप को इतना समझदार समझती हो और बाकी सबको इतना बेवकूफ, तो जाके सीआईडी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? या फिर एक काम करो, कोई डिटेक्टिव एजेंसी खोल लो, वहां बैठ के केसेस सॉल्व करना। कार्तिक सुन लो ना, बहुत लवली, मुझे कुछ नहीं सुनना। और अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे उत्कर्ष भैया की चिंता नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा। अरे लवली, शहर का सबसे बड़ा वकील हायर किया है मैंने उनके लिए, और वो जो वकील है ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। एंड फॉर गॉड सेक लवली, कभी कभी मुझ पे भी भरोसा कर लिया करो, मैं बेवकूफ नहीं। ऐसे ही नहीं मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दे, ऐसे ही नहीं सारी ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी। हर चीज के लिए कोई ना कोई प्लान। तरक्की मिलने के बाद कार्तिक, तुम इतना बदल जाओगे? ये मैंने कभी नहीं सोचा था कार्तिक, कभी नहीं सोचा था। ठीक है कार्तिक, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। अम्मा सा, जिद मत करिए ना, खा लीजिए खाना। मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब तक हमारा पोता वापस नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ जी अम्मा साहब, बायगार्ड की कसम जी, आप ही बोलते हो ना खाने से नाराज नहीं होना चाहिए, तो फिर आप खाने से कैसे नाराज हो सकते हो? हैं, पहले हमारे पोते को वापस लाओ। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा साहब, उत्कर्ष भैया बहुत जल्दी कर आ जाएंगे। सच कह रहा तू? बिल्कुल सच। क्यों बेटा, कोई खबर मिली है? खबर तो अब तक नहीं मिली, लेकिन मेरा वकील अब खबर लेगा उस औरत की। और छोटे, तेरा वकील? कोई ऐसा वैसा वकील नहीं है राधे भैया, वो शहर का सबसे बड़ा वकील है जिसे मैंने हायर किया है अपने भाई को छुड़वाने के लिए। तुमने लॉयर हायर किया है? आदि भैया, जब पैसा जेब में हो ना तो कुछ भी किया जा सकता है। मैंने कह दिया उससे कि मुंह मांगे पैसे दूंगा उसे, बस मेरे भाई को छुड़वा दे। आप सब देखेगा चुटकियों में भैया घर वापस आ जाएंगे। अम्मा साहब, मुझे पैसों की परवाह नहीं, सिर्फ भैया की सलामती की परवाह है। ये हमारी लेडी ऑफिसर है, उस रात जो कुछ भी हुआ आप इन्हें बता दीजिए, आप इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। यस सर। मिस्टर उत्कर्ष कौशिक, ये हमारे स्पेशल ऑफिसर हैं जो आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे। उस रात क्या हुआ आप हमें पूरी बात शुरू से बताएं। हमने डॉक्टर ध्वनि को हमारे साथ पिकनिक पर चलने के लिए कहा। हाँ, हम पिकनिक पर गए थे क्योंकि मिस्टर उत्कर्ष कौशिक के छोटे भाई बिट्टू कुछ दिन पहले आग से जल के जख्मी हो गए थे, तो उनकी देखभाल के लिए वो मुझे अपने साथ अपने फैमिली पिकनिक पर लेकर गए। और पिकनिक पर क्या क्या हुआ था? वो सुबह से ही मिस्टर उत्कर्ष कौशिक मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते रहे, और शाम को बोन फायर के अराउंड मेरे नजदीक आकर डांस करने की कोशिश करने लगे। डांस करते करते अचानक उन्हें ठंड लगने लगी, तो हम उन्हें शॉल देने के लिए कमरे में अंदर लेकर गए, और अंदर आते ही अचानक लाइट ऑफ हो गई, और दोबारा वो कमरे में आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। एक मिनट, लाइट ऑफ हो गई मतलब कि कमरे में अंधेरा था? जी। जब कमरे में अंधेरा था तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि जिसने आप पर जबरदस्ती करने की कोशिश की वो उत्कर्ष कौशिक ही थे? क्योंकि वही मुझे उस कमरे में लेकर गए थे, और सिर्फ वही जानते थे कि मैं वहां पर हूँ। हम कह रहे हैं आपसे ऑफिसर, शॉल देने के बाद हम बगल वाले कमरे में चले गए थे,
ताकि हम दूसरों के लिए स्वेटर और शॉल लेकर आ सकें। मिस्टर उत्कर्ष कौशिक, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स के होने के बावजूद आप सिर्फ ध्वनि शर्मा को ही अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर क्यों ले गए? क्योंकि उन्हें मिलने के बाद हमें लगा कि वो सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। और जो इंसान आपको अच्छा लगता है उसे आप घर तक छोड़ने जाते हैं। आखिर आपका इरादा क्या था मिस्टर कौशिक? मैं बताती हूँ आपको उनके क्या इरादे थे। वो सिर्फ मेरा शारीरिक फायदा उठाना चाहते थे। नहीं, ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। हाँ, हमें वो अच्छी लगी इसलिए हमने उनकी मदद कर दी। लेकिन उनका तो कहना है कि आप शुरू से उन पर डोरे डाल रहे हैं। क्या मतलब है आपका डोरे डालने से? अगर हमने उनके साथ हंस खेल के दो बातें कर ली, उनकी मदद करने के लिए उन्हें घर तक छोड़ने चले गए, तो क्या ये डोरे डालना हो गया? इसे डोरे डालना नहीं कहते इंस्पेक्टर साहब। नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन वैलेंटाइन्स डे के दिन एक कुंवारी लड़की से ये कहना कि अगर आप चाहें तो आप अपना दिल हमें दे सकती हैं, इसका क्या मतलब है मिस्टर कौशिक? ये किसने कहा आपसे? डॉक्टर ध्वनि ने? उसे क्या फर्क पड़ता है? आप सिर्फ ये बताइए कि आपने ऐसा कहा था कि नहीं। हंसी मजाक चल रही थी और वो भी हमारे साथ में हंसी मजाक कर रही थी, बस। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारा इरादा कुछ भी गलत करने का होता तो हम उन्हें अपने परिवार के साथ पिकनिक नहीं ले जाते, अकेले में कहीं और ले जाते। शायद आपको मौका ही ना मिला हो। शिबू, जो कुछ कहना है बैठ के कहिए। शिबू, तू कुछ कहता क्यों नहीं इनसे? हमारी हर बात का गलत मतलब लगा रही है। तू जानता है कि हमने कुछ नहीं किया। सॉरी मिस्टर कौशिक, मैं एक ऑफिशियल इंटरोगेशन के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। इंस्पेक्टर शिवेंद्र कौशिक मुझे सब कुछ साफ साफ बता चुके हैं। जब हादसा हुआ उस वक्त सब उस कमरे में पहुंच गए थे, केवल आप सबसे आखिर में पहुंचे, जबकि आपका कहना है कि आप बगल वाले कमरे में ही थे। अब जरा आप हमें यह बताएंगे कि बगल वाले कमरे से उस कमरे में पहुंचने में आपको इतनी देर क्यों लगा? अगर हम आपसे कहेंगे कि हम बाथरूम में गए थे तो क्या आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही तय कर लिया कि कसूरवार हम हैं। और जब हमारा अपना ही खून ये मानने के लिए तैयार हो गया कि हमने गुनाह किया, तो फिर क्या सफाई देना? That's all. मुझे जितना पूछना था मैंने पूछ लिया। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। आपका पूरा बयान रिकॉर्ड हो चुका है। ये आपके भाई, फिर भी आपने इनका पक्ष न लेकर अपना बयान दिया है। रियली रिमार्केबल। थैंक यू। बचपन से ही मासा ने हमें सच बोलना सिखाया है। बस भैया, मैंने सच का ही साथ दिया है। उसी मासा ने हमें भी सच बोलना सिखाया है, लेकिन यहां हमारा सच किसी की समझ में नहीं आ रहा है। सब सच बताना जरूरी था। जो देखा उसे सच समझ कर कह दिया, लेकिन जो महसूस किया उसे एक बार भी नहीं कहा। प्लीज भैया, बस बस। इंस्पेक्टर शिवेंद्र कौशिक, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो आप अपने हवलदारों से भी कहिए कि वो भी अपना फर्ज निभाएं और हमें यहां से ले जाएं।